रोमियो एंड जूलियट वेरोना नाम की सिटी में दर्शाया गया शेक्सपियर जी के द्वारा बहुत ही बढ़िया नाटक है, जो कि रोमियो एंड जूलियट की एक बहुत बढ़िया लव स्टोरी बताता है। और इसमें दो घरों की दुश्मनी के बीच जो प्यार पनप रहा होता है रोमियो और जूलियट के बीच, उसका एक वृत्तांत वर्णन है। और उसके बाद से जो इसका दुखद अंत होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो होता यूँ है कि रोमियो जो 16 साल का एक मनचला लड़का, एक रोजनर नाम की लड़की से मोहब्बत करता है शुरुआत में। उनके एक चचेरे भाई हुआ करते हैं बेनवोलियो, जो कहते हैं कि अरे दिल कहीं और लगाओ यार, मतलब कि कहीं और प्यार करो, ये सब कैसा ठीक नहीं है। मतलब कि अगर नहीं वो लड़की राजी है तुमसे प्यार करने के लिए, तो क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो। लेकिन रोमियो नहीं मानते, कहते कि नहीं, हम प्यार तो उसी से करेंगे। तो ये काफ़ी समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानते हैं, तो बेचारा वो चला जाता है। फिर होता ये है कि एक जो दूसरा घराना होता है, जहाँ से रोमियो के घर से और जूलियट के घर, अब जूलियट की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। जैसे कि जूलियट क्या है कि कैपुलेट उनके पापा होते हैं और लेडी कैपुलेट की मम्मी होती हैं। तो कैपुलेट फैमिली और मोंटैग फैमिली दोनों में बहुत ही बड़ा दुश्मनी होता है। मोंटैग फैमिली से मतलब ये है कि मोंटैग जो होते हैं कि रोमियो के पापा होते हैं, लेडी मोंटैग रोमियो की मम्मी होती हैं, तो दोनों में बहुत ही तगड़ी वाली दुश्मनी होती है। तो कैपुलेट फैमिली में एक खान पान का व्यवस्था कराया जाता है, गेट टुगेदर टाइप का होता है। तो उसमें सब सारे गेस्ट आ रहे होते हैं। तो रोमियो कहते हैं हम तभी जाएंगे जब उसमें उस गेस्ट के लिस्ट में रोजलिन का नाम होगा। तो उसमें रोजलिन जी आ रही होती हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, अब जब रोजलिन आ रही है तो मैं चलूँगा। फिर वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे ये जूलियट से इनकी मुलाकात होती है। जूलियट जो है कि ऐसा समझ लीजिए कि 13 साल की बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की, अभी 13 साल की अवस्था में, पेरिस नाम का एक लड़का होता है जो उनके पापा कैपुलेट से उनका हाथ मांग रहा होता है। तो वो कहते हैं अभी तो ये 13 साल की बच्ची है, इससे इसकी शादी कर देंगे, आप ही से करेंगे, आप बेशक निश्चिंत रहिए, लेकिन थोड़ा दो दो साल रुकिए, उसके बाद से करेंगे। तो उस सभा में, मतलब कि उस खान पान गेट टुगेदर में जब रोमियो पहुंचते हैं और वहीं पे जो जूलियट होती हैं अपनी एक दासी कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, उनकी एक साथ में रहती है नर्स, जो कहा गया है नर्स का नाम दिया है शेक्सपियर जी ने, तो नर्स उनके साथ रहती हैं। तो जूलियट का जब इनका मुलाकात होता है रोमियो से, तो रोमियो फर्स्ट साइट लव हो जाता है उनको। एक दूसरे को इतना बेपनाह मोहब्बत, इतना तगड़ा वाला प्यार शुरुआत में हो जाता है कि एक ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और जब किस करने के बाद से काफ़ी देर बाद इन लोग को पता चलता है कि दोनों का जो फैमिली है एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। तो ये इसमें पछताव तो होता है, लेकिन अब क्या करें, अब तो प्यार हो चुका है। तो जब ये घर को पार्टी के बाद से घर को लौट रहे होते हैं रोमियो, तो जूलियट अपनी खिड़की से देख रही होती हैं और ये आश्वासन दिला रही होती हैं कि मतलब कि हम प्यार आप ही से करते हैं। रोमियो भी इसका जवाब पॉजिटिव वे में देते हैं कि हम भी प्यार आप ही से करते हैं और हम लोग एक दिन से शादी भी करेंगे। तो यहाँ पे रोमियो बहुत ही सीरियस टाइप है इस मोहब्बत में, इस मोहब्बत को लेकर के वो काफ़ी सीरियस रहते हैं कि हम शादी भी करेंगे, शादी टाइप का बात चलता रहता है उनका। तो अब उनका एक भाई रहता है, देखिए अब मतलब पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, हल्का फुल्का मतलब कि एक कहानी टाइप का समझ लीजिए। उनका जूलियट का एक भाई रहता है टेबाल्ट, तो वो बहुत ही गुस्सैल टाइप का आदमी रहता है। उसको अपना अपना जो बेइज्जती सहन नहीं होता है, किसी से कोई भी बेइज्जती उसकी कर दे सहन नहीं होता है। तो एक बार क्या होता है कि ये टाइबाल्ट कहता है रोमियो से, तो आकर के हमसे कुश्ती टाइप मत कहते, ड्यूअल कर लो, मतलब हम और तुम बस लड़ेंगे अखाड़े में, तो हम और तुम रहेंगे। तो रोमियो सोचता है कि दुश्मनी उश्मनी से कुछ फ़ायदा है नहीं, तो मना करते हैं। लेकिन इस पे टाइबाल्ट उनका मजाक उड़ाते हैं। इस पे क्या होता है कि मरकुटियो है, जो रोमियो का बहुत बढ़िया दोस्त होता है और बहुत बढ़िया योद्धा भी होता है, तो वो कहता है कि उसको बर्दाश्त नहीं होता है और वो जाके टाइबाल से लड़ जाता है। वो टाइबाल से लड़ता है, फिर रोमियो बीच में छुड़ाने जाते हैं, इसी आपाधापी में मरक्यूटियो मर जाता है। मरक्यूटियो जब मर जाता है, तो होता ये है कि रोमियो को बहुत भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं, टाइबाल्ट की जान ले लेते हैं। और ये खबर पूरे वेरोना में फैल जाती है। और जब वेरोना में पूरा खबर ये फैल जाती है, तो रोमियो को वेरोना से निष्कासित कर देते, मतलब कि उनका ताड़ीपार कर देते हैं कि आप यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो ये खबर सुन करके जो लेडी मोंटैग होती हैं, रोमियो की मम्मी होती हैं, वो मर जाती हैं बेचारी। उसके बाद से वो बेचारा वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन
अब मोहब्बत हो चुकी तो मोहब्बत भी वो दायित्व तो भी निभाना है, क्योंकि ये दिल है कि मानता नहीं टाइप का हाल होता है। अब इसमें पिक्चर में आते हैं फ्री आर लॉरेंस, जो रोमियो और जूलियट दोनों के दोस्त होते हैं। अब फ्री आर लॉरेंस का क्या है कि ये कहते हैं कि ठीक है आप लोग सेक्रेट मैरिज कर लीजिए, मतलब कि गुप्त विवाह कर लीजिए। और सेक्रेट मैरिज करवा करके और कहता है कि ठीक है हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे, आप लोग मिलते रहिएगा। तो इस तरह का कहानी चल ही रहा होता है। तो गुप्त विवाह करवाने के बाद से फ्रियर लॉरेंस ये सोचते हैं कि एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि मैं जूलियट को झूठ मूठ का मार दूंगा और वो 24 घंटे के लिए मरी रहेगी और उसको कब्र में ले जाके दफना देंगे। उसके बाद से रोमियो जाएगा और उसको जिंदा करके ले करके कहीं और चला जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों का झगड़े वाली फैमिली से ये कहीं दूर चले जाएंगे सब, और इन लोगों का प्यार भी होता रहेगा इस तरह से। तो ये मैसेज पहुंचाने का काम जो रहता है वो फ्री और जॉन का रहता है कि आप जा करके वहाँ तक रोमियो तक ये मैसेज पहुँचा दीजिएगा कि प्लान ऐसा है कि आप जूलियट को कब्र से उठाइएगा और वहाँ से लेकर के आप निकल जाइएगा। लेकिन प्रियोर जॉन को कैद कर लिया जाता है और वो जा नहीं पाते हैं। तो अब रोमियो को आधा अधूरा मैसेज मिलता है कि जूलियट ने जहर खा लिया है और मर गई है। जब इस तरह का मैसेज मिलता है और वो जूलियट की कब्र तक जाते हैं, किसी तरह से पहुँचते हैं, थोड़ा सा बीच में बहुत ड्रामेटिक क्लाइमेक्स ड्रामेटिक सीन है तो वो सब थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो किसी तरह से जूलियट तक पहुँचते हैं, वहाँ पर देखते हैं जो पेरिस रहता है, जो उनसे शुरुआत में उनसे पापा से शादी के लिए हाथ मांग रहा था, वो पेरिस वहाँ पे खड़ा रहता है और उनके ऊपर फूल फेंक रहा होता है उनकी कब्र पे। तो ये देख करके वो दोनों में झड़प होती है, काफ़ी कुछ गुस्सा गुस्सा गुस्सी होती है और दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। उसमें पेरिस मर जाता है। तो मरते के आखिरी सांस में पेरिस कहता है कि ये अगर मैं मरता हूँ तो मेरी जो कब्र है वो जूलियट के बगल में रखवाना। तो जूलियट के पास ये जा करके ये भी एक जहर का शीशी लेके आता है। पूरा दीवाना रहता है ये रोमियो। तो ये जहर का शीशी लेके आया होता है और क्या करता है, पहले जूलियट को किस करता है। जब जूलियट को किस करते हैं उसके बाद से जहर की शीशी पीते हैं और फिर से उसको किस करते हैं और वो वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद से जब फ्रियर लॉरेंस वहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि पूरा मैसेज रोमियो को मिला नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो कब्र में पड़ी पड़ी मर जाए, उसको निकालने वाला ना कोई रहे, मतलब कि जूलियट कब्र में पड़ी पड़ी मर जाए, उसको निकालने वाला कोई ना रहे। तो फ्रियर लॉरेंस वहाँ पे पहुँचते हैं। जब तक पहुँचते हैं तब तक देखते हैं सारा कांड हो चुका है। उसके बाद से जूलियट तब तक जग जाती है। जूलियट जगती है, मतलब फ्रियर लॉरेंस के पहुँचने से पहले ही जूलियट जग गई होती है। तो वो देखती है कि पेरिस मर चुका है, रोमियो मर चुका है। और रोमियो को जब देखती है कि जहर खा के मरा है, तो वो क्या करती है, पहले उसको किस करती है कि सोचती है कि कुछ जहर उसके मुंह में आ जाएगा तो वो मर जाएगी। उसका शीशी वगैरह पीने की कोशिश करती है, लेकिन शीशी में कुछ बचा नहीं रहता है। तो वो क्या करती है, उसका खंजर निकालती है और अपने सीने में मार लेती है, और इस तरह से करके वो भी मर जाती है। और ये सब देख करके जो दोनों फैमिली होती है अपनी दुश्मनी का अंत कर देते हैं और एक दूसरे की बेटे और बेटी का सोने का मूर्ति बनवाते हैं। धन्यवाद।